गाइस, देखो जैसा कि आपको पता है गोल्डन सिटी में ऐसे तो हर लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये था कि इसके अंदर किस पार्क व्यू में बेटर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं 100 गज के आसपास प्लॉट लेना चाह रहे हैं गोल्डन सिटी के अंदर, सबसे बेटर है 7th पार्क व्यू। क्यों बेटर है जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम कहीं भी कोई चीज लेते हैं तो पहले बात करते हैं हम कनेक्टिविटी के ऊपर लेके, तो कनेक्टिविटी बता दूंगा आपको। 7th पार्क व्यू जो है आपका बिल्कुल लगता है गौर के तीसरा जो एंट्रेंस गेट है आपका, जो एंट्री करता है उसके सामने, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से आप यमुना एक्सेस हो जा सकते हैं अपनी कनेक्टिविटी को लेकर। हम बात करते हैं कि फैसिलिटी में क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों को लेके, अपना कॉमर्शल को लेके, तो मैं बता दूं 7th पार्क व्यू सामने जस्ट ये कॉमर्शल है जिसको कृष्ण लॉट मार्ट के नाम से बोला जाता है। ये आपका रनिंग में आने वाला है बहुत जल्दी, सब कुछ इसके अंदर क्लियर हो चुका है, इसके अंदर बिल्कुल तैयारी चल रही है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह अपनी ओपन होने वाली हैं बहुत जल्दी में, वो भी बिल्कुल विद इन डिस्टेंस पे आपके, है ना बेटर। अब हम बात करते हैं बच्चों को लेके रिलेटेड, तो बच्चों से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, इसी के साथ में आपका गौर इंटरनेशनल स्कूल आता है जो कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ता है, आप अपने बच्चों को डायरेक्ट छोड़ के भी आ सकते हैं और लेके भी, और नहीं तो बच्चा खुद भी जा सकता है और खुद भी आ सकते हैं, बिल्कुल नियर बाई पड़ता है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम बात करें इसके अंदर थोड़े प्राइस की, सबसे बड़ी बात तो प्राइस की होती है, प्राइस बढ़ता है डेवलपमेंट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, लोकेलिटी और लोकेशन आपके बताई थी मैंने कितनी बेटर। यहाँ पे सबसे छोटा साइज जो है आपका वो है आपका 105 गज का, जी हाँ 100 गज के प्लॉट्स हैं आपके। 100 गज के अंदर मैं बता दूँ आज की डेट में मार्केट में प्राइस चल रहा है आपका कहीं ना कहीं आपका 90 लाख की समथिंग आपकी आज की डेट के अंदर ये 100 गज का प्लॉट अवेलेबल है। यहाँ पर हम बात करें, अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, ठीक है वही मैं आपको बता दूंगा। साइज बता देता हूँ उसके अंदर आपको मैं, साइज आपका 105 भी 124 जो मेरे पीछे बैल देख रहे हैं, ये 30 मीटर की जो ऑन रोड चल रही है अंदर, बिल्कुल जो पॉड के अंदर आ रही है, ये मेन गेट से बाहर निकल के तीसरे वाले गेट से, ये जो प्लॉट मेरे सामने देख रहे हैं ये 124 गज के बिल्कुल फ्रंट पर आता है 130 मीटर को डिवाइड कर रोड करता हुआ। हम बात करें कि 124 गज का इस प्लॉट का क्या रेट होगा आज की डेट में, तो मैं आपको बता दूँ कहीं इस प्लॉट का 124 गज का ये प्लॉट है ऑन रोड है, सामने 30 मीटर की वाइड रोड है, इस प्लॉट की आज की डेट में कीमत मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कहीं ना कहीं आपको 1 CR 35 लाख रुपए, मतलब 1.35 के समथिंग इसका आज की डेट के अंदर रेट चल रहा है, ये आज का ही बता रहा हूँ। फिर जैसे ही थोड़ा मेरी वीडियो और पुरानी हो जाएगी, थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम जो रेट होगा आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज मुझे कर सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको डेवलपमेंट में देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ पहले पूरा, ये देख सकते हैं इसके अंदर कहीं आपका इसके अंदर रोडें दी गई हैं, काफ़ी बड़ी रोडें दी गई हैं, ये भी आपकी काफ़ी बड़ी रोड है। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं डेवलपमेंट पर लोगों ने मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, कई लोग रह रहे हैं यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको और थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ, अंदर जाकर आपको डेवलपमेंट दिखाता हूँ इसके अंदर, फिर क्रिकेट स्टेडियम दिखाता हूँ जो बिल्कुल नियर बाय पड़ता है अभी स्टेडियम, तो चलते हैं अभी थोड़ा अंदर। तो गाइस देखा आपने, और ये देखिए ये 7th पार्क की फिर से लाइन देखिए, ये 370 वाली लाइन है आपकी, 370 वाली लाइन चल रही है आपकी, देख सकते हैं कितने लोगों ने पूरा मकान बना दिया, ये भी नहीं है कि नॉर्मल बनाया, बहुत से लोग क्या करते थे कंप्लीशन नहीं, पूरे देख सकते हैं 2-2 मंजिल डेढ़ मंजिल पूरे मकान बना दिए गए, काफ़ी फैमिली यहाँ पर रह भी रही है, आगे देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई हैं आपकी, और अंदर भी आपको डेवलपमेंट दिखाता हूँ। चलते हैं क्रिकेट स्टेडियम की तरफ, क्रिकेट स्टेडियम को फेस करते हुए काफ़ी सारे प्लॉट है, उसके अंदर छोटी सी लेक भी दी गई है, उसमें काम अभी चल रहा है, तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो गाइस देखा आपने डेवलपमेंट, अब हम बताते हैं आपको इसके अंदर एक फैसिलिटी और दी गई है, देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपका एक क्रिकेट स्टेडियम 10 एकड़ के अंदर, ये क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है रनिंग में, काफ़ी सारे जैसे छुट्टी होती है संडे का दिन होता है वीकेंड्स पर लोग अपने यहाँ पे इंजॉय करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं इधर एक लेक दी गई है प्यारी सी सामने, इधर थोड़ा सा छोटा पार्क दिया गया है, एक लेक दी गई है, वैसे इसके अंदर भी पार्क दिए गए हैं आपके अवेलेबल, और ये आप ऑन रोड चली गई है आपकी, तो इस तरीके से ये 7th पार्क जो अपने आप में काफ़ी अच्छा वेल डेवलप है, आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल तीसरे गेट से एंटर करते के साथ ही आता है। इसके अलावा कॉमर्शियल आपको अवेलेबल है, क्रिकेट स्टेडियम आपको अवेलेबल है, और आपका डेवलपमेंट आप देख ही रहे कितना अच्छा चल रहा है। यहाँ पे सेल परचेज किसी भाई को करनी हो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, सोच के आ रहे हैं जल्दी से मोबाइल उठाएँ, स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और इसके बारे में नॉलेज लें, आप पता तो करें कम से कम क्या रेट चल रहा है आज की डेट में NCR के अंदर, 100 गज के अंदर प्लॉट आज की डेट में 90 लाख रुपए के समथिंग बहुत सही रेट के अंदर आज की डेट में चीज़ मिलती है, बहुत बेटर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे करना चाहिए आपको। विद इन यहाँ से अगर बात करूँ 12 किलोमीटर आपका नेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे काम चल रहा है, 2024 के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नियर बाय पड़ती है आपकी, यहाँ से 3-4 किलोमीटर सबसे बड़ी फिल्म सिटी
फिर 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में काफ़ी सारी कंपनी रनिंग में आ चुकी है गाइस, बिल्कुल देर ना करें, इस इन्वेस्टमेंट का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। इसी के विधि नंबर कॉल मैसेज मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बाइक का सेल करना हो, परचेज, और किसी भी बाइक का पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाना हो, मकान बनवाना हो, अपना कोई वर्क करवाना हो, उस पर भी हम काम करते हैं। आप मुझे कॉल या मैसेज एनी टाइम कर सकते हैं। और गाइस, इसी तरीके से आप अपना प्यार बना के रखना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट पार्क के बारे में बताऊंगा, गौर के बारे में। तो गाइस, धन्यवाद दोस्तों।